अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और हमें कोई दो आंखें देख रही हैं, पता नहीं कौन है। अस्सलाम ओके, अस्सलाम वालेकुम सायरा, क्या हाल है? वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सायरा? आज मजे की चीजें बनने वाली हैं और बहुत सारे लोगों को एक्चुअली सहमा होता है कि पतीली में केक कैसे बनता है। तुमने हाँ, बड़ा अच्छा डिसीजन ले इसीलिए लिया। हाँ, मैंने कहा ये तो जरूर बनाना है ना लाइफ में। ये हाँ, सही बात है। बहुत फातिमा, सारे सलाम लोग अलैकुम। होते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोगों के पास ओवन नहीं होता, ओवन को कुछ हो जाता है या बिल्कुल कुछ बिल्कुल। अगर है, तो आपके पास एटलीस्ट सेकंड ऑप्शन हो कि आपने करना क्या है। और मैं तो जब ओवन नहीं था तो मैं हर चीज इसी में ही बनाती थी और बहुत अच्छी बनती है। हाँ, सही है। तो फिर अपनी टिप्स और ट्रिक्स जो है ना, जो वो बिल्कुल जरूर हाँ, बताते रहना साथ ही साथ। हाँ, वो मेन चीज है कितना, क्योंकि हाँ उसमें तो हम टेम्परेचर लगा देते हैं, हो जाता है फिर। और हाँ बहुत सारी जगहों पे तो होता है कि शुरू शुरू में आपके बड़ी चीजें जल जाती हैं, कभी कच्ची रह जाती हैं, बिल्कुल लेकिन आप प्रैक्टिस हो जाती है इसमें तो हाँ। कहते हैं आप। कि मेरे पतीले में कलर नहीं आता है, अच्छा, ओके। लेकिन अभी देखिएगा केक पे बहुत अच्छा कलर आएगा। हाँ, सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सारे लोग आ गए। सलाम अलैकुम जूबिया, सलाम अलैकुम असमा, काफी लोग आ गए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है बेकरी स्टाइल टी केक इन पतीला, और हम साथ में बनाएंगे चिकन चाउमिन। और हमारे साथ हैं जी सायमा समीर अली। चलो सायमा, लेट्स स्टार्ट। वालेकुम सलाम अफशां। हम सायमा की तरफ जाते हैं, फिर मैं आप लोगों के मैसेजेस लेती हूँ। जब तक सायमा अपना कैमरा हमारा करने जरा सेटल डाउन। आप लोग सब सुनाए क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम इरम, क्या हाल है? इरम के हार्ट्स पे हार्ट्स आए जा रहे हैं बहुत सारे, सायमा तुम्हारे लिए। वालेकुम सलाम अफशां। ओके जी सायमा। अच्छा, मैंने लाइव स्टार्ट होने से पहले ना पतीले को प्री हीट होने रख दिया था। अच्छा, वो पतीला किस तरह का है और क्या किया, मतलब क्या है, जरा हमें और सही से दिखाओ। ये तुम पतीला सिर्फ अपने इस बेकिंग के लिए रखती हो या नॉर्मल पतीला है कि कुछ और भी बनाती हो? ये आप इसमें कुछ जैसे नीचे, बस ये हैवी है थोड़ा ना, हल्का वाला नहीं है और सही है, ठीक है। और ये तुमने नॉनस्टिक। एक अलग से रखा हुआ है कि मैंने इसी में ही बेकरी, मतलब इसी में ही बनाना है या? अब ये देखो, इसके अंदर मैंने जो है इसको गरम होने रखा है। बस इसमें ना मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है हाँ, वो शो एक। करो हमें ताकि लोगों को पता चले कि होता क्या है। ओके, तो ये स्टैंड थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है या वो तुम्हारे थोड़ा पतीले के वो साथ? करेगा, इसके ऊपर मैं मोल्ड रखूंगी पिसके पर ना। अच्छा, इसके ऊपर मोल्ड रखोगी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। चलो तो अभी लेट्स सी, मैंने देखते हैं। इसके से पहले से जो है वो एग व्हाइट्स को मैंने ना निकाल लिया था। एग व्हाइट्स अलग कर कर ली दिया, थी और योक्स ठीक है। मेरा अलग है, कितने अलग एग्स लिए हैं? है तो 4, तो 4 अंडों का समझो कि हमारा केक बन रहा है, मैं राइट? फोर। हाँ, ठीक है अब मैं ठीक है को जी। एग व्हाइट्स को जो है वो बीटिंग पे लगाती हूँ। ओके ठीक है। शोर तो करेगा थोड़ा सा हाँ, लेकिन। सही है, इतना तो होना चाहिए शोर। हाँ, एक चीज तुम्हें बताना भूल ही गई, ये मेरा एम्बेसडर गिफ्ट आया था कॉर्पोरेट की तरफ से। हाँ, ओके ओके, ये बड़ा काम का है भाई। ये बहुत काम का है और मजे की हाँ, कि मैंने वही बात आ गई कि मैं इसको सोच रही थी लेने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आ गया। खुद ही आ गया, दैट्स राइट। ठीक बल्कि है, मैं तो एक हमने, काम करती हूँ, इसको हम इसे निकाल के ना फिर करती हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा। सही है, तो हमने 4 अंडे की जर्दी इसमें ले लिए फिलहाल, ठीक है ना? 4 अंडे ले लिए, योक को अलग कर दिया है और आपने उसको अलग कर दिया है, लेकिन अभी ये बीट कर रही है सिर्फ। हाँ ठीक है, ताकि अलग कर, पेशेंट ना, हाँ इजी हो रहेगा। ये मेरे पास अभी सिर्फ व्हाइट चाहिए। देखो ठीक है ठीक है, ठीक है, हम इसको तो तुम वो करोगी बिल्कुल बिल्कुल फ्लफी वाला, राइट? व्हाइट फ्लफी हो जाएगा। यार। एक और तुमने पता की थी, वो मुझे अंडों से याद आया, मैंगोए। मुझे अभी बिल्कुल आवाज नहीं अच्छा, है। शायमा की एक और रेसिपी थी, मुझे याद आ गई, एग्स के थ्रू, तो उसने बनाई थी और कुकपैड पे देखी थी, और मैं काफी बार सोचती हूँ कि बनाऊं। ओके जी, सायमा के अंडे भेजे जा रहे हैं और हमारे पास हैं, अल्लाह का शुक्र है ना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और तुम्हारे सामने देखो, इवन पैटीज एंड ऑल आइटम जैसी चिकन ब्रेड भी बन जाती है। एग्जैक्टली सीमा, क्या हाल है सीमा? आई टू मेक मेनी टाइम्स बेकिंग फ्रॉम पतीला।
अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शाफी, कैसे हैं आप? मैंने कुकर में भी बनाया है बिना रबर और बिना सीटी के। ओके अस्मा, शेयर करें ना हमसे, यही तो ट्रिक्स हैं, लोगों को चाहिए होती हैं, उनको पता नहीं होती हैं। शेयर करें हमसे। ओके जी, एग वाइट्स हमारे पास यहाँ पर हो रहे हैं। और साइमा भी बात नहीं कर सकती, साइमा को सुनने में आ रहा क्योंकि ये अपने एग बीट कर रही हैं। भी बीट होंगे, ये देखेंगे अभी थोड़े से और बीट होंगे। ओके तो हम थोड़ा सा और बीट करेंगे। वेलकम सलाम सबा, थैंक यू सबा, काफी दिनों बाद एक्चुअली हम लाइव कर रहे हैं। एरम अहमद बताइएगा कब आऊं? आ नहीं रही, इस बार आप लाइव करें वहां से बैठकर। ओके जी, हो गई क्या? हो गया, दिखाएं दिखाएं। हो गया, मैं दिखाती हूँ, ये देखें। सलाम अलैकुम मरियम, सही है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, इसको हम साइड पे करते हैं। ओके और अब हम जर्दियां ले लेंगे। ठीक है, सही है। ओके, तो हमने जो चार अंडों के सफेदी अलग की थी, वाइट पार्ट अलग किया था, अब हम अलग से इसको बीट करके एग योक्स को। ठीक है, पीसी हुई चीनी कितनी ले रही हो? एक कप। एक कप, ठीक है। मैं उसको समझो बस बीट कर लूंगी। ओके, थोड़ा मैसी होगा लेकिन बस क्या करूं। ठीक है, ठीक है। ओके तो जी, ये हम एक्चुअली उनके लिए बड़ा अच्छा है जो जिनके पास एक ओवन नहीं है, लेकिन कहते हैं बहुत अच्छा केक बनता है। वही अभी किसने यहाँ पर कहा हमें, सीमा, ये बहुत अच्छा बनता है और अस्मा ने कुकर में बनाया है तो मींस लाइक आई एम किरण वाली। यस, वही मुझे पता था तो शाफी, किरण मुझे पता था कि ऐसी कुछ है। ठीक है, लेकिन मुझे आपके नाम से याद रहता है, आपके बेटे के नाम से याद रहती हैं आप मुझे, अब्दुल शाफी के नाम से। वालेकुम सलाम वजिया, क्या हाल है? आमीन सबा। ठीक है जी, अब हमारे एग योक, चार अंडे लिए हैं साइमा ने, और चार की पहले उसे जर्दी अलग से कर ली है, पूरी फ्लफी कर दिया, और यहाँ पर शुगर लिया उन्होंने, एक कप शुगर लिया और चार अंडे और लिए, वही उसकी एक योक लिया और उसको वो बीट कर रही है। शुगर और योक्स को हमने बीट किया, वो थोड़े से क्रीमी हो गए हैं। ठीक है, सही है। अब मेरे पास एक कप नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। नॉर्मल कुकिंग ऑयल, ओके ठीक है, जो आपके घर में यूज होता है, आप बस उसको डालेंगे इसके। एक कप है ये। ओके ठीक है, एक कप चीनी, एक कप कुकिंग ऑयल, सबके साथ बीट करेंगे। ओके हमारा बीटिंग का प्रोसेस। हेलो ज्ञान, ओके जी, हमारा बीटिंग का प्रोसेस हो गया है, खत्म। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछ रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइव सेशंस में ऐसी चीजें होती रहती है। मैं ये पूछ रही थी तुमसे, तुमने एक मर्तबा कुक पैट के ऊपर ना एक रेसिपी शेयर की थी, एग योक्स आई थिंक बनती है, मेरेंगुए।
कलरफुल सी, मैंने एनिवर्सरी पे की थी। हाँ वो बहुत मुझे याद आती है, और वो कोई बहुत इजी है राइट? बहुत आसान है, बस इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक है। अच्छा, लेकिन वो भी मैंने पतीले में ही बनाई हुई है। अच्छा ओके 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 ठीक है। हाँ इसके अंदर वेनिला एसेंस डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर फूड कलर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा डालूंगी। अच्छा डालोगी, ठीक है। जरा सी एक शेड आ जाए। अच्छा फूड कलर भी ना अक्सर लोग पूछते हैं कि कितना डलता है, तो बहुत ज्यादा मत डालें क्योंकि उससे कड़वा हो जाता है। अच्छा तो तुमने तकरीबन कितना यूज किया है इस वक्त? ये हाफ टीस्पून से भी कम है। ओके, क्वार्टर टीस्पून ऑलमोस्ट राइट। मेरे पास इस वक्त 1.5 कप जो है वो मैदा है। 1.5 कप मैदा, ठीक है। इसको मैंने पहले से स्टिफ करके रखा हुआ है। ठीक है ठीक है, अब मैं इसको इसके अंदर डाल के फोल्ड करूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी आप ऐड करें अपने केक को बनाते हो उसको बीच नहीं करना है। ओके ठीक है ठीक है। क्या होता है आपका केक बैठ जाता है और सही नहीं राइज होता है। ओके अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, और शायद कुछ को तो पता होगा, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कुक्स हैं, लेकिन जो नए आ रहे हैं उनको शायद नहीं पता हो। तो साइमा उनको बताओ तुम वनीला एसेंस क्यों डालती हो? ताकि उसमें से जो एग्स की स्मेल है ना वो ना आए। तो वही ना, ये मतलब क्योंकि ये बिगनर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो वो वनीला एसेंस एक नाम पे अच्छा चलो जी वनीला एसेंस डाल लो। हाँ एक और चीज ये भी है कि एग्स आपके जितने अच्छे बीट होते हैं ना केक आपका उतना अच्छा। ये मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया। ओके 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो समझो 4 अंडे में 1 टीस्पून तुम्हारे बेकिंग पाउडर जा रहा है। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे, ओके ठीक है। ये बड़ा एक ट्रिकी सा काम होता है, बस ये हो जाए तो समझे आपका केक जो है ना। हाँ आमना तंजील देख लो, मेरी भाभी बैठी हुई है जो देख लो। सलाम अलैकुम शगुफ्ता, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साइमा समीर अली जब बन जाए मेरे एड्रेस लेकर भेज देना, ठीक है। इरम को भेज दो भाई, आप आ जाओ। हाँ आप आ जाओ, लेके आना वाला बड़ा मुश्किल काम लगता है। That's the mistake I make. Yes, Amna, यही मैं तुमको कह रही थी उस दिन। हमने क्वारंटाइन में बड़े खाने बना लिए हैं। अच्छा अच्छा अब ये देखो हमारा मिक्सचर कैसा है ना। अभी ये ऐसा लग रहा है डो है, डो बन गया exactly. है ना। अभी हम इसके अंदर जब एग व्हाइट्स ऐड करेंगे ना तो फिर ये जो है वो नॉर्मल अपने उस पे आ जाएगा। ओके ये मैंने एग व्हाइट्स को अलग से बीट किया ना। ठीक है, थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी एक्चुअली जो हम कहते हैं पैनकेक्स उससे थोड़ी सी थिक होनी चाहिए राइट? रिबन बैटर का फॉर्म है ना। बाय किया है ना, इरम कह रही हूँ। ओके है सब कुछ है भाई आजकल ऑनलाइन। ओके अब हम यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। ये भी सॉफ्ट हैंड से मिक्स करनी है एग व्हाइट्स। ठीक है, अच्छा ये भी हैंड से ही करोगी? हाँ हाँ बीच नहीं करना क्योंकि अब इसमें मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स अ वेरी गुड टिप कि जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हो तो आपने बीटर नहीं ऑन करना, आपने डायरेक्टली अपने हैंड से उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के नॉर्मली जो हमारे पास हैंड वेस्ट होता है उससे आप विस्क कर लो, मिक्स कर लो, एक्चुअली प्रॉपरली मिक्स आपका हैंड से ही होगा। ठीक है, बीट नहीं करना, बस बीट नहीं करना है। ठीक है, वालेकुम सलाम तहमीना, कैसी हैं आप? इरम कह रही हैं कि मियां मेरे आउट ऑफ टाउन है और रात को मैं ड्राइव नहीं करती, अंधी हूँ। वाह इरम, बात हो गई आपकी। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह तहमीना मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हम सब खैरियत से हैं। फोल्डिंग मस्ट है केक बेक करने में, या केक बेटर यूज कर सक केक
बिटर केक बिटर यूज कर सकते हैं नहीं कोल्डिंग के लिए आप एग बिटर यूज नहीं करेंगे अच्छा एग बीटर नहीं यूज करेंगे आप विस से या फिर जो स्पैटुला है और बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे स्पैटुलास भी हैं कुकपैड वाले उससे भी आप कर सकते हैं हाँ वरना हर घर में ही होते हैं आजकल टर्नर से किसी भी चीज से ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे कोई इतना ठीक है वो नहीं आपके पास जो चीज अवेलेबल है भाई करो हाँ ठीक है ठीक है बिकॉज मेरा परफेक्ट नहीं होता बेटी 12 की है शी लव्स बेकिंग सही है ये देखा यही मैं कह रही थी ये ऐसे SSM फरहान का मुझे बिल्कुल भी रियल नेम नहीं पता आपका लेकिन यस ऐसे ही लोगों के लिए आज जो ये क्लास हो रही है ना साइमा समीर अली की वो इसीलिए है पतीली को प्री हीट किया है जी शगुफ्ता पतीली को प्री हीट करने के लिए रख दिया और सायमा ने एक हैवी सा थोड़ा पतीला लिया है और उसके अंदर उन्होंने एक में जिसमें स्टैंड डाला है जो है वो पाए पकने रखती थी उस टाइप का कोई नहीं पतीला होता हैवी सा ठीक ठीक वो वाला पुराने पतीला सही 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 लेकिन तुम इसमें कोई और चीज नहीं बनाती हो इसमें तुम सिर्फ बेकिंग करती हो राइट मतलब तुमने एक एक बिरयानी बना देती हो अच्छा क्योंकि होता है ना आप एक चीज है इसको इसी के लिए रख दो जैसे मैं तो बिरयानी के लिए एक पतीला है जो बड़ा जैसे अगर सब बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा हाँ बेकिंग ही होती है बेकिंग की होती है ठीक क्योंकि वो मुझे लग रहा है ऐसा ना वो ब्लैक हो जाता हो या समथिंग ऐसा कुछ नहीं होता राइट नहीं है ठीक है ये वाला पतीला नहीं होता ब्लैक क्योंकि ये है मटेरियल का के नहीं होता ठीक है मुझे इसमें लग रहा है थोड़ा सा ऑयल मैं और डालूंगी वुडन स्पून से फोल्ड अच्छा होता है ओके मैम ठीक है इरम हमने वुडन स्पून ही भेजे हैं अच्छा मैंने किसी शेफ को देखा था कि बिल्कुल लाइट बीटर चलाकर एग वाइट्स मिक्स करते हैं ओके वजिया कह रही है नहीं एग वाइट को जब वो अंदर डालते हैं ना उसकी बात कर रही है वजिया माशा आपको थैंक यू सो मच तहमीना अल्हम्दुलिल्लाह यस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फ्रेश हूँ कितना टाइम पहले किया है प्रीहीट जब ये वीडियो शुरू होने वाली थी हमारी तकरीबन 15 मिनट हो गए होंगे साइमा प्रीहीट किए हुए हाँ और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे है बहुत तेज फ्लेम नहीं है क्योंकि ज़्यादा टाइम अभी था तो फिर मैंने हल्की फ्लेम पे ही रखा है वो गर्म हो गया है ओके ठीक है 15 मिनट्स हुए होंगे कि साइमा ने उसे रखा है लेकिन स्लो फ्लेम पे अभी तुमने क्या डाला थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया मैंने अच्छा तो समझो वन वन कप वन क्वार्टर वन का वन टेबल स्पून अच्छा ठीक है अच्छा ये बेकरी स्टाइल है तो इसका बैटर जो है ना वो बहुत पतला नहीं होगा ओके ठीक है ये देखिए थोड़ा सा ही थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी हाँ वही मैं भी देख यही देख रही थी कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है रनी नहीं है वरना नॉर्मली जो केक की होती है वो थोड़ी रनी होती रनी भी होती है और वो थोड़ी सी पैनकेक वाले से थोड़ी सी थिक होती है राइट होती है बस ये हो गया ऑलमोस्ट मिक्स ओके मेरे पास टूटी फ्रूटी है ना ठीक है तो ये एक्चुअली बेकरी स्टाइल फ्रूट केक है जो आपको वो बेकरीज में हमारे पास नहीं मिलता ये वो वाला केक है शाम की चाय के साथ बैठ के खाएं हाँ है ना हाँ तो तुम्हारे घर में ये बहुत फेवरेट है या क्या है फैमिली फेवरेट है किस मेरे तो हफ्ते में 2 बार भी बन रहा होता है ओके तो चलो मतलब के बनाया है तो इट्स लाइक के अच्छा चलो सही है बच्चे खा लेंगे Yeah. अच्छा ये टूटी फ्रूटी थी इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून जो है वो ड्राई मैदा ऐड किया है इससे क्या होगा जब हम इसको बैटर में ऐड करेंगे ना ये नीचे बैठेंगी नहीं अच्छा ठीक है वेट आ जाएगा इसके ऊपर मतलब लाइट हो जाएंगी क्या हो जाएगा ये बैठ गई हाँ ये नीचे बैठेंगी नहीं इंशाल्लाह उम्मीद तो ऐसे लाइट इज्जत रह जाए ओके ठीक है ठीक है नहीं इट्स अ वेरी गुड टिप एक्चुअली हाँ ये अच्छे से कोटेंगे ना इसके ऊपर वेलकम सलाम फिजा राजपूत मुझे थैंक यू सो मच सलाम अलैकुम लारेब सलाम अलैकुम किरण क्या हाल है चाय में डुबो डुबो एग्जैक्टली मैं अभी बोलने वाली थी इसने ये मुझे ये बातें करनी शुरू कर दी सायमा कि ये वो केक है जो चाय में डुबो के खाया जाता है
हमारी ऐसी होगी। साइमा आप की कुकिंग माशाल्लाह जबरदस्त होती है जी। साइमा आप की कुकिंग वैसी ही जबरदस्त होती है। और आज इनका जो टी केक बन रहा है ना, ये वाकई में वो वाला टी केक है जो चाय में डुबो डुबो के खाया जाता है। पैन को मैंने पहले से ग्रीस किया है ना, ठीक है। ठीक है। अच्छा पैन को किससे ग्रीस किया तुमने, ऑयल से, बटर से, किस चीज से? ऑयल, सिंपल ऑयल को मैंने इसमें ब्रश कर लिया। ओके ठीक है। आप इसमें चाहो तो ड्राई मैदा जैसे नीचे डाल के और उसको फिर पैन को टैप करके वो जो एक्सेस मैदा होगा वो आपका पैन तैयार है। अगर जिनको लगता है कि हमारा केक नीचे चिपक जाएगा या इस तरह ना, हाँ हाँ तो उनके लिए ये टिप है। ठीक है, हाँ ठीक है कि अगर आपने ऑयल कर दिया है तो उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें मैदा, बिल्कुल अभी स्टिक नहीं होगा। साइमा तो एक्सपर्ट है माशाल्लाह से, जबरदस्त ही बनेगा, बेस्ट ऑफ लक। मिल्क नहीं डालेंगी साइमा आप ही इसमें? नहीं, मिल्क मैंने ऐड नहीं किया। अगर ज्यादा थिक हो गया तो मिल्क नहीं ऐड किया है फिजा। साइमा अली नाश्ता ही करवा दो मुझे। ठीक है, वो कह रही है कि अगर थिक हो गया हो तो मिल्क नहीं डालते या मिल्क डालते हैं? मिल्क डालते हैं साइमा वैसे? हाँ, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन कोशिश ये करें कि वो जो एग व्हाइट है उसी के साथ ही उसका पूरा मिक्सचर आपका बन जाए, हाँ बिल्कुल है ना? अच्छा ये मैंने इसलिए साइड पे किया कि मैं जरा उसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा क्या मिक्स कर रही हूँ? बैटर को ना थोड़ा सा मैंने हाथ से, वो जब तक मैं हाथ से मिक्स ना करूँ ना मुझे सकून नहीं आता। आप सामने भी कर सकती हैं हमारे, हम देखना चाहते हैं। ये देखें भाई, घर हम होम कुक्स हैं कोई। सलाम अलैकुम इफ्तबीन, क्या हाल है इफ्तबीन आज? जी साइमा समीर अली बेकिंग, अच्छे से कोल्ड होगा केक उतना आपका इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। यस दैट्स अ थिंग। ठीक है, अब मैं इसको येलो कलर भी ना जबरदस्त कोई साइमा लेकर आई है, बिल्कुल मायो वाला येलो कलर। एक मिनट में अपने हाथ साफ कर लूं। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रेशमा, क्या हाल है? ओके जी, साइमा ने सही पूरा केक बेकरी में जैसे लोग एक्चुअली इसी तरह बनाते हैं, उनके पास कोई इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स और वो सारी चीजें नहीं होती है, वो इसी तरह की ही चीजें बनती हैं जो हमारी नॉर्मल नहीं करनी चाहिए ना कि ये चीज नहीं है ये चीज नहीं है। हाँ एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ। नहीं और एक्चुअली स्टार्ट करी थी मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास मोल्ड भी नहीं थे। हाँ, मैं वो जो हॉट पॉट का अंदर वाला पार्ट नहीं होता, हाँ 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 उसमें भी केक बेक किए हैं। केक बना लो वही ना कि आपको पता हो कि भाई इस तरह बना लो इस तरह, जो अपना ये बर्फ जमाने वाले जो कटोरे से होते हैं उसमें भी मैंने केक बनाया है। हाँ पैशन के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स ओनली फॉर द पैशन कि अगर आपको इतना शौक है, आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ओके। अगर जिन जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो मैं उन्हें बता दूं कि आज हम बेकरी स्टाइल टी केक बना रहे हैं और उसके साथ हम बनाएंगे चिकन चाउमीन। ये साइमा के घर की फेवरेट डिश है और साइमा के बच्चों को बहुत पसंद है, तो साइमा ने लिख के भी भेजा होता है। तो और ये पतीली में बन रही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कुछ टिप्स बताई हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कुछ टिप्स बताई हैं जो कि थोड़ी थोड़ी देर में साइमा से कहूंगी मैं दोबारा रिपीट करें। जैसे कि इस वक्त ये टूटी फ्रूटीज डाल रही हैं और वो थोड़ा से मैदे के साथ उन्होंने मिक्स की हुई है ताकि जब ये बेक हो तो बिल्कुल नीचे ना बैठ जाए, मिक्स हो जाए केक के अंदर। और ठीक है, और इन्होंने जो अपनी ग्रीसिंग की है वो नॉर्मल ऑयल से की है, ठीक है। अगर किसी को खच्चा हो के उनका केक नीचे से लग ना जाए, सॉरी साइमा क्या कह रही हो?
मैंने कोई बटर ऐड नहीं किया, नॉर्मल कुकिंग ऑयल ऐड किया. नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो घर में चीजें हैं उसी से ही सैवर ने बनाया हुआ, तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल इन्होंने ऐड किया, कोई बटर नहीं है. ग्रीसिंग इन्होंने ऑयल से की हुई. अगर आपको लगता है कि आपका केक मोर से स्टिक हो जाएगा तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर सकते हो. ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो टिप्स हैं जो के बिल्कुल ही नए हैं और नहीं पता उन्हें. मिल्क एगलेस केक्स में यूज होता है आई थिंक. बहुत अच्छी बेकर नहीं हूँ बट मैं मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स एग की जगह ऐड करते हैं. ओके ठीक है. वालेकुम सलाम हुमैर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र रेशमा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. अल्लाह का शुक्र इफ्तिमीन. ठीक है जी, पतीली में केक बन रहा है इस वक्त. अस्सलाम वालेकुम उज्मा, क्या हाल है उज्मा, कैसी तबीयत है आपकी? लुकिंग डिलीशियस शगुफ्ता कह रही हैं. ओके आपके पास है, रखे नहीं है तो कोई और चीज के ऊपर आप रख सकते. अच्छा क्या वैसे तुम क्या सोचती हो क्या रखना चाहिए नीचे, क्या रखना चाहिए? नहीं नीचे स्टैंड अगर समझो कि किसी के पास नहीं है, जैसे मेरे पास तो नहीं है सीरियसली, मतलब क्या आप रख सकते हो? अंदर जो है वो कोई आपके पास स्टील की प्याली होगी. ओके ठीक है हाँ, तो वो रख दें इसको उल्टा करके इवन, और कुछ नहीं तो बाहर से एक ईंट उठा दें. मतलब थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ना, द पॉइंट इज कि थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए राइट. ठीक है ठीक है, मेन पर्पस हमारा ये ओके. टाइम हो गया जी 7 बजे, तो कितनी देर आप बेक करेंगी? ये इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा 30-35 मिनट. ओके ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त. ठीक है तो जी साइमा ने अंदर रख दिया. स्टील की प्लेट या कैप कुछ भी, यस कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ होना चाहिए कि आप पतीली के अंदर थोड़ी देर समझो कि थोड़ा सा ऊपर हो. ठीक है, और सेकेंड एक और चीज ये है कि इन्होंने प्री हीट किया था अप्रोक्सीमेटली, मेरे ख्याल से जब हमने स्टार्ट किया तो साइमा ने अपने स्टोव ऑन किया था, तो आधा घंटा हो गया होगा साइमा, हाफ एन आवर का प्री हीट हुआ राइट. और अभी मैंने उसे जिस फ्लेम पे रखा है वो दम वाली आंच से थोड़ी ज्यादा है, उससे चावलों को दम लगाते हैं. हाँ उससे थोड़ी, ठीक है ठीक है, थोड़ी सी उससे ज्यादा है, जिससे हम चावलों को दम लगाते हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा है. ठीक है सना, अस्सलाम वालेकुम सना शुजा, क्या हाल है, कैसी हो आप? एनी कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन? यार कॉम्पिटिशन तो इस बार हमारे पास जॉय का प्रोग्राम चल रहा है, बाकी एक कॉन्टेस्ट आने वाला है एक कुक के साथ, कुक विद समथिंग समथिंग एम्बेसडर का, और बाकी केक, यस केक लुक्स यम. अच्छा अब हम चल रहे हैं, जब तक साइमा ने वो सारी अपना केक का काम कंप्लीट कर लिया है तो साइमा की अब तैयारी हो रही है चाउमीन की. अच्छा तो साइमा आज डिनर में चाउमीन है? यस ओके, कल मैंने पाया बनाया था. आह ओके, बहुत देसी हो गया, साग भी बना चुकी हूं. साग भी हो गया, साग तो तुमने डाल दिया होगा ना ग्रीन की वजह से. अच्छा मेजोरिटी घर में, घरों में ना इस बार एक और 2-3 के मेरे मैसेजेस आए कि इस बार ना हुआ ये कि कहते कि आपके कुकपैड जॉय की वजह से ना हमने घर में ग्रीन वेजिटेबल्स बना लिए. मैंने कहा यार ये तो मतलब ये वो वाली बात होगी कि मैंने हेल्दी हेल्दी खाना करवा दिया इस बार. और मेजोरिटी पालक और साग, पालक और साग, जब मैं देखूं पालक और साग क्या रेसिपीज आई है. हाँ मैंने देखा तुम्हारा वो पेस्टो जो बनाया तुमने राइट. हाँ बहुत अच्छी बनती है. हाँ राइट राइट राइट, वो बड़े मजे की लगती है, वो स्पैगेटी में मुझे बहुत पसंद है, पेस्टो स्पैगेटी या पेस्टो नूडल्स बनाओ ना. ठीक है कितना है ये? हाफ के जी से थोड़ा कम लगता है ये. मैं डालूंगी ऑलमोस्ट 2 teaspoon बड़े वाले चिली सॉस. ठीक है तो मैरिनेशन कर रही हो? हाँ इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ. ठीक है चिली सॉस डाल दिया आपने, 2 teaspoon right? और सोया सॉस, हम सोया सॉस. ओके बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर.
ब्लैक पेपर, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है, मिक्स कर लेंगे। आप कभी लाइफ स्पंज भी बनाए? ओके, तुम्हारे लिए ओके। ऑनेस्टली जॉय में बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं। थैंक यू सो मच शगुफ्ता, मुझे ग्रीन में बहुत मजा आ रहा है सीरियसली। सबकी सॉरी, हमारा पाकिस्तानी कलर है भाई। हाँ भाई, पाकिस्तानी कलर है। नहीं, और आजकल वो मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है ना सब्जियों का, इसीलिए पसंद है कि बहुत सारी सब्जियां खाने को मिल जाती है। हाँ, ये इस वक्त मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा, ये मैरिनेट हो गया और मेरे पास ये देखे वेजिटेबल्स जो हैं, नजर आ रही? ठीक है, बिल्कुल आ रही है। मेरे पास टमाटर है, अच्छा ठीक है, कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट्स है और अनियन है। ओके ठीक है, और मेरे पास ये ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन जो है वो कटी हुई रखी है। मेरे पास चॉप्ड लहसुन रखा हुआ है, केचप है, ठीक चिकन पाउडर, काली मिर्च और सॉल्ट। सॉल्ट तुमने अभी क्या मिक्स किया था उसमें? चिली सॉस डाला है और सोया सॉस डाला है, सॉल्ट डाला है और क्या डाला है चिकन में? हाँ, चिकन में। हाँ, क्या क्या डाला है? चिली सॉस, सॉल्ट, सोया सॉस, चिली सोया सॉस, ब्लैक पेपर और जो है सॉल्ट। सॉल्ट, ठीक है, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, ब्लैक, ब्लैक पेपर डाला, ठीक है। नो विनेगर? नहीं नहीं ना, ठीक है, ओके। लेट्स सी साइमा की, मैंने ऑयल को गर्म होने रखा, ठीक है, चॉप लहसुन को पहले फ्राई करेंगे। ओके, तो ये भी घर में सब खा लेते हैं सायमा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मेरे शादी से पहले मैंने सुना था मेरे हस्बैंड नहीं खाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बेगम बना लेती है ना तो सब खा लेते हैं। सही है, मेरे घर में अब तो खैर मेरी यही होता है, मेरे अभी सब खा लेते हैं, लेकिन पहले होता था कि ये, अभी भी मेरे अब्बा को तो होता है इनफैक्ट कि ये खाना खाना नहीं है। खाना नहीं है। कहा हाँ बात सही है, उनके हिसाब से खाना नहीं है, ये खाना नहीं है, स्पैगेटी खाना। हाँ, हमें आदत हो गई है, हमें आदत हो गई है, हमें आदत हो गई है, खाना किधर है। हाँ, और नहीं, और इसके खाने के बाद मुझे टेंशन ही हो जाती है कभी कभार के यार वो स्पैगेटी खाती ना, भूख लग गई दोबारा। अच्छा, इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे ना। ओके ठीक है, अल्लाह का शुक्र किरण, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छी रेसिपी है, मेरी बेटी की फरमाइश आ गई है कि कल चाउमिन बनेगा। ओके, जबरदस्त। रेशमा फॉलो कर लो सायमा की रेसिपी। सायमा डाली भी है तुमने? हाँ, सायमा डाली भी है चाउमिन की? नहीं नहीं, चलो सायमा डाल देंगे आज। सायमा डाल आप करें। अच्छा, सही है, ठीक है, सायमा की आप रेसिपी फॉलो कर लेना आई एम श्योर, क्योंकि वो सायमा का हम देख चुके ना उस दिन चाइनीज थी, वो मैं डाल रही हूँ ना। आप चाहो तो उनको टाइम दे सकते हो, पहले से मैरिनेट कर लो, 15 मिनट दे लो, 10 मिनट दे लो। ओके, सही है, ठीक है। तो बस हमने ऑयल के अंदर गार्लिक डाला है, चॉप गार्लिक, और चॉप गार्लिक के साथ आपने चिकन डाल दिया, ठीक है जी। हाँ, नहीं, और वैसे भी ये चाउमीन और ये सारी चीजें जो हैं वो हाई फ्लेम पर ही अच्छी बनती हैं। हाँ, फट फट
झटपट बिल्कुल, आपके पास सारी चीजें रेडी हुई हैं। इसमें सिर्फ आपका काम होता है एक वेजिटेबल्स कट करना, और वो भी अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो और बहुत मजे से काटते हो तो फिर हाँ। आपके लिए वो काम, फिर मसला नहीं है उस चीज का। एक और चीज दिखाऊंगी कि मेरे पास देखो वुडन स्पून भी जो है ना वो। हाँ ठीक है जी गुड। इसको जब अभी मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे वो अपना लास्ट मीटअप याद आ रहा है। हाँ 2 साल हो गया यार, 2 साल नहीं 1 साल हो गया, 2019 में एक्चुअली हमने किया था ना। जबरदस्त मीटअप था वो वैसे हमारा। इंशाल्लाह ये जरा भागे तो फिर हम दोबारा करें। जूबिया कह रही है मैं भी बेकिंग कर रही हूँ। जूबिया नेक्स्ट आपने आना है और आइसिंग और सब कुछ आपने सिखाना है हमारे लोगों को। आज साइमा ने पतीले में केक बनाया है, जूबिया की जो आइसिंग है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। जूबिया है ना, टाइम निकालें जूबिया और मुझे बताएं कब। मानूर सलाम अलैकुम, क्या हाल है आप? लेट हो गई मानूर, केक तो बन गया हमारा, बस साइमा खाने वाली है उसे। जूबिया के केक्स भी बहुत जबरदस्त होते हैं। बहुत जबरदस्त। शॉट बन दिया हमारे पास। हाँ हाँ नहीं कुछ वाकई में कुछ लोग माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सारे इतने अच्छे हैं ना कि कुछ की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है कि किसी को कुछ अच्छा, किसी का बहुत ही अच्छा, किसी को वो बहुत, एक अच्छी बात है कि भाई इसकी ये चीज बहुत अच्छी है, तो इट्स वेरी नाइस। अभी अभी जो वो हर किसी को अप्रिशिएट करता है, खाली एक किसी बंदे को लेके वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, वो हर किसी को अप्रिशिएट। हाँ ट्रू ट्रू ट्रू, हर एक के पास एक को नहीं होता, हर किसी, क्योंकि हर कोई तो खाना बना रहा है, हर कोई तो कुक है, हर कोई अपने घर में खाना बना रहा है भाई। वालेकुम सलाम सदफ, क्या हाल है सदफ? सदफ तुम भी कुछ बनाओ जरा, हमें दिखाओ क्या बनाती हो। सदफ सलमान ठीक है, बॉईल करके रखी हुई है। ओके ठीक है, मैंने एक पूरा पैकेट जो होता है वो ही लिया है। ओके सही है, तो ये मेरे पास पहले से बॉईल हुई भी रखी हुई है। बॉईल हुई भी है ठीक है। अच्छा इसके ऊपर जो मैं रखूंगी वो एग्स होंगे। अब कोई परेशान ना हो कि साइमा के पास इतने छोटे एग्स पास है। हाँ साइमा वाकई में ये इतने छोटे एग्स कहाँ से आए आपके पास, ये किसके एग्स हैं? ये मेरे ये बटेर के एग्स हैं बेसिकली। वाओ ओके 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 ओके, ये मेरे पास बॉईल हुए हैं, मैंने इनको बॉईल करके पील कर लिया है इनकी स्किन को। ठीक है जबरदस्त। आजकल तो तुम इसमें डालने वाली हो? ये मैं ऊपर से डालूंगी। ओके 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 ठीक है। तो जब तुम आज जब अपनी रेसिपी डालोगी ना चाउमिन की, तो उसमें टाइटल पे जरूर डालना विद बॉइल्ड बटेर एग्स, डालना कुछ ना कुछ जरूर डालना ठीक है। ओके आजकल तो मौसम है ना, और आपके पास माशाल्लाह बटेर है तो बटेर का सूप बनाते हो? हाँ मैंने बनाया था। हाँ सही है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी हेल्दी। हाँ इट्स वेरी हेल्दी और इस मौसम में तो बहुत अच्छा लगता है। ओके ठीक है, जॉय के लिए अरवी के पत्ते नहीं मिल रहे, सोच रही हूँ कुछ और ही अपलोड कर दूँ। आप कुछ भी कर दो मानू, समथिंग ग्रीन कुछ भी कर दो। टमाटर मैंने दो लिए थे। ओके सब कुछ जो है वो साइमा ने थिन स्लाइसेस थिन कट किया हुआ है, हर चीज थिन हुई हुई है। टमाटर हाँ। गाजर कैबेज अनियंस है ना, और स्प्रिंग अनियंस, सब चीजें थिन हुई हुई है। इनफैक्ट चिकन भी इसका फिंगर कट हुआ हुआ है। अच्छा साइमा केक
का ऊपर से उठाकर देखना वेखना कुछ नहीं है, छोड़ दे, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं अभी नहीं, बस कुछ है। अच्छा है ना, तो फिर होता हाँ. क्या है कि वो प्रेशर डिस्टर्ब होता है, ठीक है ठीक है, सही है सही है। वैसे टाइम क्या हुआ है? टाइम आपके पास 7:20 हो गए, आप बना सकते हो, कोई बात नहीं। ओके जी, कैरेट्स डल गए हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली नहीं, इसीलिए ये वाली इसमें मैंने 1 घंटे का टाइम नहीं रखा ना, तो आप आराम से बना सकते, कोई टाइम नहीं है कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को था, हाँ बहुत सारे लोगों था कि हम इस टाइम पे नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता। तो अगर कोई सुबह का नाश्ता बनाना चाहता है, अगर सुबह अगर कोई दोपहर में खाना बनाना चाहता है, कुछ जिस टाइम पे भी आप लोग कहेंगे आप मुझे बता दें, हम अरेंज कर देंगे। ठीक है जी, इसमें अनियंस डल गई हैं, टोमेटो डल गए और कैरेट डल गया है। तो भी डल गए, कैरेट भी ऐड हो गए। ठीक है, अब मैं इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर रही हूँ। ओके तो देखो वालेकुम सलाम अनुस सलवा, क्या हाल है? बहुत मजा आ रहा है, चाउमिन मुझे बहुत पसंद है। सलाम अलैकुम रबेका, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। चाउमिन बन रही है और साथ में बेकरी स्टाइल टी केक बना है जो कि अभी बेक हो रहा है पतीली के अंदर, तो स्टे ट्यून, अभी आपको साइमा बताएंगी। जब तक ये जरा चाउमिन कर लें, कैबेज भी डल गई है और कैप्सिकम भी डल गई है। अस्सलाम वालेकुम शबाना, शबाना जी कहाँ हैं, कैसी हैं? शबाना सफदर, बड़े अरसे बाद, पूरे 1 साल बाद तकरीबन मैं आपको देख रही हूँ, आपको मीटअप पर देखा था मैंने, उसके बाद आज मैं आपको देख रही हूँ, आप कहाँ गायब हैं? क्या हाल है, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? अच्छा इसमें कुछ मिक्स करोगी अभी? अभी तो तुम्हारा टोमेटो केचप वगैरह बाद में मिक्स करोगी ना? अच्छा मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च होती है, पेपरिका पाउडर, वो अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं है तो पेपरिका। ओके, तो नॉर्मल चिली पाउडर ऐड कर दें अगर नहीं है तो, या उसके फ्लेवर में? अच्छा फ्लेवर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बस रेडिश का कलर आ जाता है। ओके 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 ठीक है। रेड पेपर ठीक है, चिकन पाउडर, ओके, तकरीबन 1 टीस्पून तुम यूज कर रही हो, राइट? 2 टीस्पून है मेरे पास, 2 टीस्पून, ठीक है। रबेका कहती हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, अभी मैं भी टी केक ही बनाने लगी थी। जबरदस्त, चले अल्लाह खैर करे शबाना, अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। एंड चिली सॉस। अच्छा तुम विनेगर का यूज नहीं करती, मैंने देखा तुम्हें शाशलिक भी जब तुमने लास्ट में बनाई थी ना। सारी मतलब अपने सोया सॉस और विनेगर चिली सॉस आपने डाल दी है, ठीक। सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, पेपरिका, ठीक है, और चिकन पाउडर आपने डाल दिया और अब आप मिक्स करें, सही है, ठीक है।
जिसमें अब तुमने जो टमाटर आई गेस डाले थे, उस टमाटर का भी हल्का हल्का सा पानी छुटा है ना। थोड़ी सी एक सॉस सी बनेगी। हाँ सही है। और टोमेटो केचप आपका रह गया अब बस। हाँ बस वो डालूंगी अभी, बस थोड़ा सा इसको मैं छोड़ती हूँ ताकि थोड़ा सा हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। केचप मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ कप है। हाफ कप केचप है। ओके सॉल्ट सॉल्ट ठीक है। सॉल्ट मैं भी बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि जब मैं स्पेगेटी ऐड करूंगी तो फिर मैं टेस्ट करके ठीक है सही है। हाँ ये एक्चुअली सॉल्ट आप शुरू में कम ही डालो तो ज्यादा बेहतर है, और टेस्ट कर लो क्योंकि ज्यादा हो जाता है ना तो बड़ा मसला हो जाता है। हाँ बस ये भी इसका थोड़ा सा पानी इसका हल्का सा ड्राई होना शुरू होगा तो बस फिर मैं इसके अंदर स्पेगेटी ऐड करूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा चिकन भी डन है। ठीक है नाइस। ओके यमी मुझे भी खाना है खुद बनाकर, और मुझे भी भिजवाओ। सही है रबिका और शगुफ्ता। नाइस वेरी नाइस। के मजे की ग्रेवी लग रही है, ग्रेवी सी और सब कुछ ना बड़ा मजे का लग रहा है वैसे। टेम्पटिंग लग रहा है सायमा। अल्लाह जाने केक भी चला थी तो ऊपर क्यों नहीं आया। ओए होए आज तो क्या होने वाला है ये तो। बस कुछ तो होगा ही नहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अल्लाह करे आज अब सायमा की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। मेरा केक राइस क्यों नहीं हुआ हर बार हो जाता है, हर बार हो जाता है, आज क्या हो गया कोई बात नहीं अगर मेरा केक खराब भी होगा तो मैं परेशान कतर नहीं होंगी, पूछे क्यों क्यों। उसके बाद मैं उनको केक क्रश बना लूंगी। क्या करेंगी उसको आप, टोस्ट कर देंगी। मैं उसको कट करके स्लाइसेस में और ओवन में बेकिंग रख दूंगी। ओके और वो जब निकलेगा तो अच्छे से केक क्रश बन जाएंगे, परेशान तो होते नहीं। सही है सही है सही है। टेंशन नहीं लेते सही है जी बिल्कुल बिल्कुल। सब इंतजार कर रहे हैं सायमा का केक कहाँ है ऐसा पहले भी मेरे हंसी किसी के साथ हुआ था ना जिनकी रसमलाई खराब हुई थी। हाँ एक बार तो हुआ था ये होता है ये लाइफ में होता है होता है होता है। वैसे मैं समीर से भी यही कहती थी, मैंने कहा पता नहीं कभी जिंदगी में मैंने कितनी देर में वैसे जो है हमारा केक बन जाता है पतीली के अंदर। 35 मिनट्स। अभी आपके पास टाइम है, आपने 7:05 पे रखा था तो आपके पास अभी टाइम है, 10 मिनट्स और हैं। शगुफ्ता कह रही है सायमा जैसा कॉन्फिडेंट चाहिए कुकिंग में हाँ भाई ये
सही बात है शगुफ्ता, ये तो उसे कहा ये नहीं तो मैं ये कर दूंगी तो क्या हो गया, खिला दूंगी घर वाले को कुछ ना कुछ खिला दूंगी। अरे सरोज के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, एक बार मैंने वो बस बूसा केक बेसिकली जो होता है जो सूजी का बनता है, हाँ, मैंने ट्राई किया फर्स्ट टाइम ना, वो मुझसे अच्छा हाँ बिल्कुल नहीं। अब मैंने कहा अच्छा यार इसमें इतनी चीजें डली है, मैं इसका क्या करूं क्या करूं। मैंने हाँ उसको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला और उसको डाल के भून डाला, और मजे की बात ये कि वो जब उसकी जो शक्ल आई ना वो बिल्कुल वैसी थी जैसे ये हमारे यहाँ मुल्तानी सोन हलवा नहीं मिलता। सही है सही है, सच्ची किसी को यकीन ही नहीं आया कि ये जो है मैं कुछ कर रही थी ऐसा और ये कुछ ऐसा कुछ और बने हो गया। सबने मजे से। सही है। अच्छा वो रबेका पूछ रही है, साइमा सिस आपने ओवन में क्यों बेक नहीं किया? रबेका पॉइंट ये था कि जिनके पास ओवन नहीं है तो साइमा उनको सिखाना चाह रही है, क्योंकि साइमा एक्चुअली एक्सपर्ट है पतीला केक में। अब आज अगर कुछ हो गया तो प्लीज साइमा को कुछ लेकिन साइमा एक्सपर्ट है इस पतीले बेकिंग के अंदर, तो हमने इसीलिए साइमा को बुलाया। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगी। हाँ वो दोबारा आके बना देंगी साइमा को, आप कहेंगे अभी रात में आ जाओ साइमा दोबारा एक और केक बना लो, आ जाएंगी रात में नहीं आऊंगी, मेरा काका जो है ना वो बड़ा तंग करता है, अभी भी रो रहा था, हाँ सही बात है, ये तो है। वो ये समझ रहा था कि पता नहीं मम्मा कहाँ जा रही है। तो अच्छा सही है, ठीक है मैं बोल नहीं सकती ठीक है ओके। तो हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है पूरी, और इसमें डल रही है स्पैगेटीज। पहले थोड़ी सी मिक्स करते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे डाल के सारे मिक्स करते जाएंगे। ठीक है ओके यस। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम, क्या हाल है आपके? कोई नहीं बिगड़ जाता है, मैं ओवन ही यूज करती हूँ क्योंकि पतीले में मेरी जान अटकी हुई होती है, खराब हुआ तो अम्मा का डंडा पड़ेगा। डरना तो नहीं यार, और क्या करें। देखा ऐसे। अस्सलाम वालेकुम फरवा, क्या हाल है? वाह वाह जबरदस्त। अच्छा जी चाउमीन हमारे पास रेडी हो रही है और हमारे पास बन रहा है बेकरी स्टाइल टी केक इन पतीला, और अगर ये आज केक ना बना तो ये केक रस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है, अगर जो जो हमें देख रहा है वो देखता रहे ताकि पता चले होगा क्या। सायमा का कॉन्फिडेंस चेक करें, सायमा ने कहा ये नहीं तो मैं वो कर दूंगी, इट्स ओके क्या हो गया, घबराना तो है ही नहीं, वो कहते हैं ना घबराना नहीं। घबराना नहीं है, सही बात है घबराना नहीं है, यमी फूड चबाना कह रही है, बिल्कुल घबराने की बात है, आपका अपना किचन है ना साहिबा से, हम अम्मा के रहे। अच्छा सही है, ये भी ठीक है रबिका, ये भी ठीक कह रही है वैसे बात, रबिका कहती है कि आपका अपना किचन है ना, हम अम्मा के रहमो करम पर है अभी। नहीं कभी अम्मा ने भी वैसे मुझे डांटा नहीं, अगर मैंने वहां पे भी कुछ खराब कर देती हूँ, हाँ बहुत खराब की मैंने चीजें बहुत। बहुत खराब, वैसे खराब करते करते ही रबे का बनती है चीजें, आता आपको उसी वक्त, हाँ क्योंकि आप सीखते हो ना उससे, अच्छा मैंने ये कर दिया अब मैं यूं करूंगी, अब अच्छा मैंने लास्ट टाइम ऐसा किया था अब मैं ऐसा करूंगी। बिल्कुल सही सॉल्ट है, मुझे इसमें और ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हेलो शांजी, क्या हाल है? शांजी राणा भी तो है हमारे पास स्लॉट की, बिल्कुल मैं अभी कांटेक्ट करूंगी शांजी। वी वांट केक है ना, वी वांट केक सैमा। अब ऐसे तो ना करो ना मेरे साथ। अब तो हो गया जो हो गया, अब तो हो गया, अब हम भी कॉन्फिडेंट हो गए।
तुमने इतने समय किया, अब हम सब कॉन्फिडेंट हो गए हैं। ओके, अब हम सब देखने बैठे हुए होगा क्या। और सायमा भी जब से ना वो चाउमिन को घुमाई जा रही है कि मैं पहले जितनी और थोड़ा टाइम लगा लूं चाउमिन को जरा कर लूं बिल्कुल सही समझी हो है ना, सब सब समझ आ रही है मुझे तुम्हारी। मत करो मेरे अरमानों के साथ ऐसा। अच्छा वैसे अगर मैं हमारे पास टाइम है तो मैं एक और रेसिपी रेडी करूं। ओके कितनी देर लगेगी? अगर मैं 2 मिनट की है, 2 मिनट। ठीक है ठीक है। अच्छा ये हमें सरप्राइज मिल गया, ये सरप्राइज है हमारे लिए। तो ये एग्स के साथ क्या करोगी? एग्स को तुम बस नॉर्मल एग्स को तुम कट करके रखोगी या क्या करोगी? कट करूंगी। कट करोगी, ठीक है। और अब क्या करने लगी हो? मैं बनाने लगी झटपट सा सूजी का हलवा। ओके, दो दो मीठी चीजें आज तो सायमा के घर में। सायमा के घर वालों ने कहना है कि आज मीठा है खाने में खाली। कि अगर केक खराब, देखो इसीलिए मैंने ये रख लिया था कि अगर केक खराब हो गया तो मैं ये बना लूं। सही है सही है सही है। अल्लाह ताला सायमा नजर नहीं आ रही है, सायमा अभी नजर आएंगी चांजे, क्योंकि सायमा बहुत बिजी है इस वक्त अपने खानों खाना खाना दिखाने में। ये एग टेस्ट में सेम होते हैं, फातिमा पूछ रही है ये एग का टेस्ट सेम होता है सायमा? हाँ, बटेर के एग्स का सिर्फ साइज में छोटे होते हैं है ना? बस साइज फर्क है, सीरियसली। टाइमिंग भी बॉइलिंग की सेम है। अच्छा बॉइलिंग टाइमिंग भी सेम है, ठीक है ठीक है। बट मैंने सुना है एक्चुअली हेल्दी भी होता है, और साथ में मुझे लगता है वो और जगहों पे मैंने पढ़ा है कि उसका सूप भी जो है वो बहुत ही मैंने अभी लास्ट वीक में सूप जब बहुत अच्छा टेस्ट होता है उसका। नॉर्मल चिकन की हमारी जो यखनी होती है ना, उससे इसकी यखनी ज्यादा अच्छी होती है। हाँ। है ना? हाँ ओके। ये आपने क्या ले लिया? घी, मेरे पास सब घी है। ठीक है रबेका कह रही है बस बस सायमा सिस केक को देखें पहले। नहीं वो सायमा केक को नहीं देखना चाहती है रबेका, उन्होंने इसीलिए भी सूजी डाल दी है, अभी वो नहीं देखना चाहती, वो खोलना भी नहीं चाह रही है। एक पाव सूजी है मेरे पास ना। ओके ठीक है, एक पाव सूजी है। अस्सलाम वालेकुम सैम, समीर, समरीन, क्या हाल है आप? बहुत लेट हो गई है, केक हमारा अंदर डल चुका है और चाउमिन हमारी रेडी हो गई है, और ये सरप्राइज हमारे पास सूजी का हलवा आ गया है। आज तो घर में दावत होगी आपके, फरवा घर में दावत होगी, दो 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 मीठे बना के दावत करने वाली है सायमा। सलाम अलैकुम हया, आप कहाँ गायब है, कहाँ रह गई थी? वही मैं कहूँ भाई, हमारे व्यूअर्स हैं नहीं आज। ओके सूजी डल गई है और भुन रही है। एक पाव सूजी बोली ना तूने? एक कप सूजी, ठीक है। एक कप सूजी और एक कप ही घी है मेरे पास। घी है, अल्हम्दुलिल्लाह। समरीन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ क्या हाल है? ओके लाइट चली गई थी। ओ ओ तुम्हारी तरफ समरी सामा क्या हाल है? गैस के गैस वगैरह ठीक है? जाती है 11 बजे। हाँ सुबह आती है 6 बजे। फरजाना क्या हाल है फरजाना जी? मजेदार केक बन गया आपका? नहीं अभी केक नहीं बना, अभी रुके केक अभी अंदर है। सोचा ला हया केक बन रहा है, तुमने नहीं जाना अभी, ठीक है? किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना, यहाँ पे इतनी लंबी स्टोरी चल रही है, हया गायब हो गई है। तो ये बेकर्स जो है ना, फरजाना, मेमन एंड हया अली, ये सारे आ गए हैं अब सायमा। बस अब तो मैं गई। हाँ वालेकुम सलाम मेरा, क्या हाल है?
अच्छा जी, सायमा की चाउमिन रेडी हो गई है और सायमा ने बड़े खूबसूरत से अंडे रखे हुए जो कि बटेर के अंडे हैं और बहुत छोटे छोटे आप लोग को दिख रहे होंगे। तो सायमा के बकौल के ये अंडे मैं यूज करने लगी हूँ अपनी चाउमिन में, बाद में एंड में ऊपर से वो डालेंगी। ठीक है, मैंने इसमें वैसे एग ऐड नहीं किया ना। एग नहीं किया, ऐड किया, सही है, ठीक है। हाँ नहीं, लेकिन बॉइल्ड एग्स अच्छे भी लगते हैं ना इस वक्त, सर्दी इस वाले मौसम में वैसे भी अच्छे लगते हैं। मैंने फिर कहा चलो ऊपर से ये बॉइल्ड हुए अच्छे लगेंगे। हाँ अच्छे लगेंगे। मैं असल में इसको डिश आउट कर रही हूँ, ओके okay. कम से कम ये तो चलो सामने हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी सूजी भी बस ऑलमोस्ट भुनना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम समी, क्या हाल है? अरे आप कहाँ? नहीं फरजाना जी, मैं बिल्कुल बेकिंग वगैरह में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे खाने बनवाने बेकिंग में मैं आपको खास नहीं हूँ। गाजर का हलवा मैं भी अच्छे, हाँ गाजर के हलवे में भी बहुत सारे लोग बॉइल्ड एग्स डालते हैं। एग्जैक्टली ये लेकिन हलवे में नहीं डालने लगी है, ये डालने लगी है चाउमिन में इस वक्त, लेकिन गाजर के हलवे में बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैंने ऑरेंज केक बनाया, वाओ देखा यहाँ पर ऑरेंज केक, कप केक्स, ये और कहाँ गायब है सारे। फरजाना, फरजाना जी चले, नेक्स्ट आपकी टर्न है ऑरेंज केक की, और जुबिया सजाद हमें सिखाएंगी आइसिंग, कप केक्स भी इंशाल्लाह बन जाएंगे। ठीक है, डन है जुबिया, देखा? तो कैसे जो केक रस बनाते हैं। हाँ साइमा की तो मैं चेंज करने लगी हूँ टाइटल। ये लग रहा है मुझे साइमा। तो फरजाना मेमन बनाएंगी ऑरेंज केक, फरजाना मेमन स्लॉट बुक करें और हम बनाएंगे ऑरेंज केक, और जुबिया सज्जाद आपके साथ बनाएंगे कपकेक। जुबिया के साथ तो कपकेक्स की जो आइसिंग और सब कुछ है ना वो बनाएंगे जुबिया। इतने जबरदस्त यहाँ पे हमारे पास बेकर्स बैठे हैं और कुछ बेकिंग वाले जो लोग हैं ना वो भाग गए, मतलब कहने का था कि हया अली भाग गई है। स्टोरी ही बता दे शुरू की, थोड़ी स्टोरी मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हया, इस वक्त मैं इंतजार, सारे हम बैठे इंतजार कर रहे हैं केक का, तो मैं स्टोरी बिल्कुल नहीं केक बताना चाहती। और साइमन है ना अपना इस बार, मुझे लग रहा है कि कैमरा भी थोड़ा सा इधर कर लिया, बेकिंग एक जुनून है सरोज में एक। मैंने कैमरा बिल्कुल इधर नहीं किया। अच्छा नहीं, रबेका इतना मैं कर लेती हूँ कि मैं केक वेक बना लेती हूँ, लेकिन मुझे शौक एक होता है ना, शौक वो मुझे शौक वो खाने बनाने वाला जो होता है ना, और वो भी वो वेस्टर्न और इंटरनेशनल काइंड ऑफ खाने बनाना, उनका मुझे ज्यादा शौक है। मैं बेकिंग वेकिंग उसमें कर लेती हूँ, 2 बजे भी केक बेक करेंगे मेरी तरह। एग्जैक्टली और अगर लाइफ ने साथ दिया तो मैं सबकी टांग खींची। आपने अभी देखते जाए, टांग अभी खींचने का टाइम नहीं है, अभी हम सब टेंशन में बैठे हैं कि क्या हुआ है हमारे केक के साथ। सीरियसली इतने मजे का प्लेटफॉर्म है। यस थैंक यू सो मच शांजे, वाओ ये तो वाकई ये तो जबरदस्त है। सिंधी वालों के मजे हैं, गैस का इशू तो नहीं होता है, हम भी मुझे सिंध में ही बहुत हैं। इशू है। मैं तो नहीं, आई मीन इंटीरियर की बात करी ना, फरवा तंग हो गई हूँ, इशू है। आज मैंने स्पंज केक एंड डिनर में बॉइल्ड राइस के ब्लैक चने ग्रेवी, वाओ आज बड़े सपने केक्स बनाए हुए, क्या बात है, मतलब ये कैसे सबको हुआ कि आज सपने, हाँ ये हुआ क्या, सबके केक्स कैसे आ रहे हैं? केक को पर्दे से निकाले भाई, शगुफ्ता कह रही है केक को पर्दे से निकाले, है ना, केक को पर्दे से निकाले। देखा आ रही है बेकर। ऐसे लग रहा है मेरा फाइनल पेपर है। लुक्स लाइक इट, बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। वही जबरदस्त तो, साइमा, बेकिंग तो पैशन है, एग्जैक्टली बेकिंग तो पैशन है बिल्कुल। अरे वाह, हमारे जिंदगी में भी यही हाल है। मिनट और दे देते हैं मुझे, वो राइस को कहीं से मुझे उठा हुआ लग नहीं रहा बेचारा, सीरियसली सीरियसली। हाय हाय साइमा, ना करो
कसम से जो कभी मैंने जिंदगी में चीज खराब नहीं की आज खराब हो गई। ओए होए यार ये सैड हो गया, बट इट्स ओके डोंट वरी। केक रस्क बना रहे हैं हम आज, बेकरी स्टाइल के ही केक रस्क होते हैं, तो केक रस्क जबरदस्त कलरफुल चाउमिन। कलरफुल चाउमिन के साथ साथ फातिमा द गुड पार्ट इज दैट जो सामने एग्स यूज किए ना, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल एक्चुअली हेल्दी। और आजकल जो इस वक्त मौसम है, हाँ वो अलग बात है कि यार अंडे बड़े महंगे हो गए और जो कि हो जाते हैं सर्दियों में, लेकिन ये मौसम है जिसमें आप बच्चों को एग्स खिलाएं और उनके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप सबके लिए, सबके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो मुंह से निकाल, हाँ इस वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो इस वक्त सारी बीमारियां और ये चल रही है, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है कि हम इस तरह की चीजें खाएं हेल्दी वाली। इट्स वेरी गुड थिंग एक्चुअली। जितना जितना सूप पी सकते हैं, यखनी पी सकते हैं, वो पीजिए। हया कह रही है मैं आपका पेपर चेक करने आ रही हूँ, आ जाए आ जाए जूम कर करके दिखाइए, भी नहीं होंगी मैं उनको केकर्स में कन्वर्ट कर दूंगी कहती है जूम कर करके दिखाइएगा लेकिन द गुड पॉइंट इज दैट साइमा ने आज वो कर दिया, मेक एंड रीमेक कर दिया साइमा आज तुमने। हाँ देखो लाइव ना, लाइफ में मेक एंड रीमेक हो गया भाई, ये नहीं तो वो सही वो है ना, तू ना तो क्या है, वो एक मुहावरा सा, वो ना हाँ ना एक है ना कुछ आज वही हो रहा, बस वही हो रहा है। सही है। सलामकुम महक नसीर, क्या हाल है? केक रस के लिए तो केक 24 आवर्स पहले बेक करके रखना पड़ता है, या फिर वो वाला केक रस बन रहे हैं के बनाने तो केक लगी थी केक रस बन गया, कुछ ऐसे ही समझ लो हया, ऐसे ही होता है लाइफ है ये मैंने इसके अंदर शीरा ऐड किया। ठीक है, कितने कितनी चीनी ली तुमने? एक कप सूजी थी, एक कप घी था और शीरा, चीनी कितनी ली है? एक कप चीनी, एक कप सही है। ठीक है, पानी। वालेकुम सलाम हमाद, कैसे हैं आप हमाद? तू ना देखो हया ने बोल भी दिया, तू ना सही, तेरा ख्याल ही सही, तो बस केक रस सही। हाँ केक रस्क में और केक में, टी केक में, दोनों में केक आता है, तो दोनों में सही है, चलेगा। अल्लाह का शुक्र मैं है बिल्कुल ठीक ठाक। सामा बस अब देख ही लो, अब हमें कुछ दिखा दो, मुझे लगा कि 5 मिनट और बेचारे को दे देती हूँ। अच्छा अच्छा सही है सही है, ठीक है, जब तक तुम जल्दी से इसको अपनी सूची के हलवे को सही कर लो। अच्छा सर्दियों में भूख भी जो है ना वो ज्यादा है। सर्दियों में भूख की, क्या पानी नहीं पीते हैं ना, आपके पानी का इंटेक कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपको भूख ज्यादा लगती है कि पानी नहीं पीते होते। साइमा से मेरे सूजे की हलवे की रेसिपी देखिएगा, उसमें शीरा अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, जल्दी वाला हलवा है वो। ओके हाँ, वो मेरे वाला हलवा है ना जिसमें चीनी डायरेक्ट ऐड होती है, डायरेक्ट ऐड हो जाती है, सही है। ये शीरे वाला ज्यादा अच्छा लगता है, वो थोड़ा थिन थिन वाला, क्योंकि उसमें हाँ। मुझे लगता है थोड़ा, हाँ वो थोड़ा खड़ा खड़ा रह जाता है ना। ये थोड़ा नरम नरम सा बनता है। जब मेरे घर में भी ये शीरे वाला पसंद है, तो मैं उसके साथ ही हलवा पूरी के साथ जरा सा वो पतला हो तो ही अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। थर्टी फाइव मिनट्स की हो आवाज गए तो अल्लाह माफ वो करे। चेक कर रहे हैं, हया हो गए ऑलमोस्ट 35 मिनट्स, तो बस वो चेक करने लगी हैं अभी ये सूजी का हलवा करके। बड़े बड़े लोग आ गए तुम्हारी क्लास लेने हैं सैम, इतने मिनट हो गए हैं, इतना और मेरी डाला बहन था, भी आ गई, जूम क्या है ये क्या किया है
कोई नहीं सरोज, मैं फिर आना चाहूंगी, दोबारा से ये बनाऊंगी। सही है, आई लव सूजी का हलवा। यस यस, कैसे हैं हमाद आप? मजा आ रहा है आपको कुकपैड में? हमाद आप भी हमें कुछ बना के बताएं, क्या बनाते हैं आप? कुछ अपना, अपनी फेवरेट फैमिली डिश और सिग्नेचर डिश जरूर बताइए मुझे, हम आपके साथ करेंगे। रेसिपीज आती है बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि कोई लड़का है जो इतनी अच्छी कुकिंग कर रहा है ना। बहुत अच्छी कुकिंग करता है ये हमाद, बहुत अच्छी रेसिपीज आती है। एक हमाद की और एक और आती थी हमारे पास, आजकल पता नहीं वो गायब कहाँ हो गए, उस्मान, उनकी भी बहुत अच्छी रेसिपीज आती है, उस्मान राजपूत की। मैंने ना वैसे केक का स्टोव ऑफ कर दिया, जो भी निकलेगा अल्लाह मालिक। चल सही है, देखते हैं, लेट्स सी। ठिक ठिक ठिंग, हम सब इंतजार में बैठे हैं, रबिका बैठी हुई है, देख रही है हो क्या रहा है। दोबारा आने की ख्वाहिश में साइमा ने, नहीं साइमा ने तो सब कुछ सही किया हुआ था, फरजाना पता नहीं हुआ क्या है, ये तो साइमा ही बताएगी बाद में उसका पोस्टमार्टम करके हुआ क्या। हाँ बिल्कुल है ना, हुआ तो सब कुछ सही था, बल्कि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बनाया था तो बिल्कुल ठीक बना था, पता नहीं क्या, बस बात वही आ गई ना कि आज लाइव बनाना था, बस लाइव बनाना था तुमने, बस ये भी हो गया। पुले से रात पे मैं चढ़ने लगी हूँ। ठीक है ठीक है, आंखें बंद करके सारे होने वाला है। हाँ साइमा क्या खुशबू हुआ? तो बेचारे की बिल्कुल ठीक है पर पता नहीं राइस नहीं हुआ। हुआ तो है साइमा, क्या हो गया? कोई नहीं हुआ, हुआ तो है। वो पक गया है तो हम ऑब्वियसली अब तक तो पक ही जाना चाहिए था, चलो निकालो, लेकिन अभी गर्म है ना, अभी थोड़ा सा ठंडा कर लो। ठीक है, ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर उम्मीद ये होगी कि चलो टूटेगा नहीं कम से कम, सही है। बाकी तो इसने जो किया सो किया। कभी कभी बेकिंग पाउडर जुबिया कहती है, मैं सुन ओके। क्या डायलॉग मारा है, क्या क्या मारा है भाई, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बिल्कुल 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 सही बात है, नजर लग गई। नहीं नहीं मैं टीचर हूँ आज, साइमा से इसके पेपर की, ठीक है। रबेका कहती है मैं टीचर हूँ, साइमा की तो सब टीचर हैं आज, हाया रबेका सब बने हुए आज टीचर, आज तो साइमा गई, आज मार्क्स मिलेंगे साइमा को। जल्दी से केक निकालो फरजाना, बैठे यहाँ पर देखे कि साइमा का केक कैसे निकलता है। कभी कभी मैं भी अभी ये कहने वाली थी, जुबिया ने जो बात कह दी है कि कभी कभार बेकिंग पाउडर जो है ना वो प्रॉब्लम कर देता है, बेकिंग पाउडर अच्छा नहीं होता। कुछ तो हुआ है भाई। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, आप ये तुम पोस्टमार्टम करो और बताओ हमें, रिपोर्ट दो कि हुआ क्या है। हम सब एक्साइटेड तो इतने हैं जैसे हम सब खाएंगे। सही कह रही है शान से, हम वाकई में इतने एक्साइटेड हैं कि हम क्या होगा क्या होगा। सही बात है कि बन कर रही है आपके पर्दे में ही ले आए, हमने भी बंद करनी आके। नाजरीन और हाजरीन मैं अब उसको डीमोल तो करके देखने लगी हूँ, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, चलें जी देखें क्या हाल है।
looks good actually, Saima. मुझे तो इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा. आई डोंट थिंक सो के हाँ, बट मुझे बहुत तुम ज्यादा अच्छा, तुम ज्यादा अच्छी तरह बता सकती हो, लेकिन सही लग रहा है. बेकिंग पाउडर या टेम्परेचर, टेम्परेचर का इतना इशू नहीं हो सकता, बट बेकिंग पाउडर का इशू इसमें, क्योंकि टेम्परेचर आपका टेम्परेचर तो आपका सी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा. एग्जैक्टली वैसे आज तो काम हो गए, कुकिंग भी साथ, इंटरटेन कुकिंग और इंटरटेनमेंट ही तो होती है हमारे पास. रबिका हम करने के आते हैं. हाँ ना, कुकिंग एंड एंटरटेनमेंट. कहीं जा नहीं सकते तो क्या हुआ, कुकपैड है ना, है ना. मैंने मोड़ से बाहर ही सांस रोक के बैठे हुए कि क्या होने वाला है. पता है साइमा दिखा भी नहीं रही हमें सामने कि करके रही है. मैं साइमा के सीक्रेट्स जो है ना, क्या दिखाऊं मैं इस बेचारे को, क्यों क्या हो गया. हाय हाय, मेरी बेटी पीछे मेरे खड़ी है और कह रही है हाय मम्मा क्या हो गया. हाय मम्मा, हया कहती है टेंशन क्यों ले रही है, 5-6 मिनट्स छोड़ दें या खुद ही निकल आएगा. सायमा को नहीं, आपको ज्यादा टेंशन. एक्चुअली जुबिया मुझे हो रही है, मैं देखना चाह रही हूँ होगा क्या. सायमा तो कॉन्फिडेंट है ना यार, इसको मैं बना दूंगी, घर वाले खा लेंगे, जाया नहीं होगा. जैसे ही केक ठंडा होता है खुद एडजस्ट छोड़ देता है, वो तो छोड़ देता है, वो तो हया जल्दी निकालना चाह रही है ना सायमा. हाँ, रहता कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है. कोई बात नहीं, ये देख अभी आ रही है सायमा. सब कहते हैं कि भाई सायमा अभी गर्म है इसलिए. पता नहीं, दिल टूट गया मेरा. बट मैंने अच्छा हार थोड़ी माननी. हाँ सही है. अच्छा साइमा ने जरा ज्यादा टेंशन ली भी है, ये मैं ये भी बता दूँ. हुआ हुआ कुछ नहीं है, अभी जरा ज्यादा ही टेंशन ले लिया है. रबेका कहती है पता लगाओ दाया, कुछ तो गड़बड़ है. ठंडे वाला तो है कि ठीक है. एक्चुअली आई थिंक सबका ये है कहना कि ठंडा करके निकालो, वो तो खैर निकल गया, बट द पॉइंट यहाँ पे जो था ना, मेन रेज होने वाला जो मार्केट से हम लेते हैं उसमें भी प्रॉब्लम. हाँ क्योंकि मेरे साथ ऐसे पहले भी हुआ था, तो मैंने जब शॉप चेंज करी हाँ, तो वो पता यही चला कि मैदा जो था ना वो गड़बड़ था. हो भी सकता है. आया कहती है केक तोड़ के ही तो खाना है, वैसे भी तोड़ के ही खाना है. टूट गया था क्या. तोड़ ही हूँ मैं उसको पूरा. अच्छा दिखा तो दो हमें, एक मिनट रख रही हूँ. अच्छा
अच्छा बना के चाय, हाँ वही मैं भी कह रही थी कि यार चाय के साथ डुबो के खाओ, चली गई हमारी इरम, चाय के साथ डुबो के खाने वाला केक है ये अंदर, तो ठीक है चलेगा साइमा, कोई मसला नहीं है, कोई बात पता नहीं नहीं यार, चलेगा या डिलीशियस दौड़ेगा। लग रहा है, हम बात कहते हैं। हाँ टेंशन ही नहीं है, बेकार में तुमने इतनी टेंशन दी मुझे। डन हो गया, अल्लाह का शुक्र है फिर भी सब कुछ। ये देखें जी केक आ रहा है हमारे सामने, चाय बनाओ केक इसके अंदर डुबो के खाओ, कहाँ कहिए रहा हूँ, ये वो वाला केक है। बन ही गया बेचारा वैसे कुछ, लेकिन थोड़ा सा ना राइस नहीं हुआ है। राइस थोड़ा सा नहीं है, वही मैं कह रही थी तुमसे कि थोड़ा सा सिर्फ राइस में प्रॉब्लम है, बट ठीक है। जबरदस्त, शबाना कह रही है, जुबिया कह रही है जबरदस्त, आउट क्लास, वैसे सब भी कुछ डिलीशियस लग सॉफ्ट रहा है। लग हाँ, बस मुझे लग रहा थोड़ा सा राइस नहीं है। हाँ माइट बी पॉसिबल कि वही जुबिया का भी आया था और उसका भी के बेकिंग पाउडर, क्यों मैंने भी ना आजकल देखा बेकिंग पाउडर में भी हल्का सा है मसला। हाँ हो सकता है, हाँ हाँ हो सकता है, दिल को है ना आसरा दे बेकिंग रही। पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर का भी मसला हो सकता है, अक्सर होता है ऐसा, क्योंकि वो सॉफ्ट है सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ राइस में किया। हाँ ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि कोई मीन्स के वैसे कुछ नहीं हुआ, तो वो बेचारा बन गया है। हाँ केक का टेक्सचर कुछ थिक लग रहा था, शायद इसीलिए प्रॉब्लम आया है केक में, वैसे माशाल्लाह सब परफेक्ट है। केक का टेक्सचर में भी वो तो साइमा ही बता सकती है। हाँ साइमा जब तुमने बनाया था, आजकल बेकिंग पाउडर भी बहुत खराब, हाँ बेकिंग पाउडर का मुझे हो रहा है, लेकिन अगर केक की कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम बात वही कर रहे थे कि जो नॉर्मल दूसरे वाले केक्स होते हैं उसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक वो है, थिक, वैसी हाँ होती है। थिन होती है, और ये वाले केक की थोड़ी सी थिक होती है ना, तो हो सकता है। कोई बात नहीं चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड, अच्छी हमारी रही और लर्निंग भी रही दूसरों के लिए भी और सबके लिए, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास एक और जबरदस्ती कुक होंगी, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह जरूर आप लोग का अनाउंसमेंट करूंगी और फिर हम कुछ और बनाएंगे। और सायमा का हमने पीछा नहीं छोड़ना, सायमा ने हाँ नेक्स्ट मैंने हमें कुछ ना कुछ जरूर बना दिखा, ठीक है ठीक है ना, डन बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वैसे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है ना साइमा बेकर्स मौजूद हैं, और इन सबको अब मैं लाइनअप करने लगी हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जूबिया, मैं फरजाना, ब्राउनी भी बन हया, सकती, मैं ब्राउनी के लिए आना एग्जैक्टली चाहूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक बन जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। शमा राशिद कहाँ मैं गायब नया हैं आप, बेकिंग पाउडर मंगा के रखूंगी। तुम नया बेकिंग पाउडर मंगा के रखना, एग्जैक्टली रबिका नया सारे बेकिंग के पाउडर सारे जो ना, है इवन मैं ना मैदा भी नया मंगा के रखूंगी, जो मींस के उसी दिन मंगाऊंगी। सही है, चक्की वाला मंगा लेना चक्की से। चक्की सही आता ठीक है नाइस, वेरी नाइस वेरी नाइस, चाउमिन की रेसिपी बहुत जबरदस्त है, एंड आई थिंक अभी कोई कह रहा था कि हमने मैं आज चाउमिन बना रही हूँ, तो वो रेशमा रेशमा चाउमिन की रेसिपी ट्राई करो और है। इंशाल्लाह ताला कुक स्नैप करो, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे। और जो जितने आज बेकर्स थे ना हमारे पास, चले सब डन है, आप लोगों के साथ भी एक एक लाइन अप करना है। शमा राशिद, लेट्स मिसिंग कुक पैट, क्यों शमा राशिद को तो हम जरा खींच के लाना पड़ेगा, और दोबारा से एक अच्छा क्या है ना, गायब हुई मैं बिल्कुल, और जूबिया, शमा, रबेका, हया सब रेडी हो जाएं, शगुफ्ता कुछ ना कुछ मजे का बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। चलें अब तो बहुत ख्याल रखिएगा, और ये जो छोटे छोटे से अंडे दिख रहे हैं आपको बटेर के, ये बहुत मजे के होते हैं, तो आप लोग अगर मिले आप लोगों को तो जरूर खाइए, और इसका सूप मैं जरूर रेडी हूं, पिए, अगर इसका सूप किसी दिन लाइव बना लूं। इसका सूप बहुत अच्छा होता है और बहुत हेल्दी होता है, स्पेशली बच्चों के लिए इसकी यखनी, तो आप लोग हाँ जरूर अगर बनाएं इस मौसम में, किसी दिन लाइव आके बनाना पड़ा तो मैं बनाने को इंशाल्लाह तैयार। जरूर 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बिल्कुल बड़ा मजा खूबसूरत सा केक रहा आपका, सो इट्स ओके, डिसहार्ट ना होइएगा, और आया। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा मजा आया हमें, ठीक है चलें अब तो बहुत ख्याल रखें और आप दुआओं सब में याद रखें हम सबको, घर पे खाना बनाएं, घर पे रहें और इंजॉय करें, सर्दियां इंजॉय करना शुरू कर दें। सर्दियां एंजॉय करें, क्योंकि अब ठीक कराची में भी जो है वो आ ही गई है सर्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको दूसरी बुक के साथ, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।